गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? तो भाई सुबह के बज रहे 5:30 और भाई रोज़ की तरह मैं उठ चुका हूँ। और भाई उठ के फ्रेश हो के ब्रश वगैरह करके अपन निकलते हैं जिम के लिए। जिम जाने से पहले मैं अपने जड़ी बूटियाँ खाऊँगा जो मैंने रात को भिगो के रख दी थी। इन्हों खाने के बाद अब निकलते हैं जिम के लिए। तो भाई मैं तो भाई रोज़ उठ जाता हूँ 5:30 बजे। आप कितने बजे उठते हो भाई, ये ज़रूर बताना। और सबसे नमस्ते। बड़ी बात, वर्कआउट कौन सा करते हो? मेडिटेशन करते हो कि जिम जाते हो, या फिर अपने घर पे होम वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो, क्या करते हो भाई? ये भी ज़रूर बताना मुझे, कि भाई मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि भाई मैं क्या नहीं करता लोगों से डिफरेंट, या फिर लोग मेरे से क्या डिफरेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई वो भी जानना ज़रूरी है। फिर भाई सुबह के बज रहे हैं 6:45 के आसपास, अब मैं जिम आया हूँ तो कोई भी नहीं आया, मेरा भाई आ रखा है बस। उसके भी भाई मैं ज़बरदस्ती बुला लेता हूँ, इसलिए आ जाता है। ये मेरा स्ट्रैप, जिम बैग, वाटर बॉटल, टॉवल, और ये मेरा जिम बैग। अब भाई मैंने वर्कआउट कर लिया है, भाई जा चुका है, उसको जॉब पे जाना होता है। 8:30 बज रहे हैं और जिम में भाई एक बंदा है, बस एक ही है पर्सन, और नीचे दो दो पर्सन बच्चे हैं बस, और कोई नहीं है जिम में। ये हमारे को काली मिल गई है और ये बोल रही है भाई हमें तो बिस्किट खिलाओ। इस समय ब्रेड खिलाई नहीं खाई, फिर बिस्किट खाया इसमें। फिर पूजा करने का है, सूर्य देव को मैं अपना पानी चढ़ाता हूँ। तो ये मेरे सूर्य देव और ये मेरी तुलसी माता, तो इनको पानी चढ़ा के फिर मैं कुछ खा के निकलूँगा लाइब्रेरी। तो खाने में क्या है, नाश्ते में क्या है, दलिया, ठीक है, और जो मेरी बची हुई ड्राई वो थी जड़ी बूटियाँ, वो मैं अब सब पाक साफ कर दूंगा। और धूप में बैठे खा रहे हैं, धूप भी तो लेनी ज़रूरी है। फिर भाई मैं थोड़ी देर सो गया था, तो आज मैं 11 बजे गया हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि मेरे को पता नहीं चला भाई मैं कब लेट लेटे सो गया। फिर अब मैं ये इंग्लिश की बुक लेके जा रहा हूँ जो मैंने मंगाई थी, अब ए करके बुक लेके जानी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी भारी है। मैथ्स की बुक तो मेरे बैग में है, इंग्लिश की बुक हाथ में। लाइब्रेरी पहुँच गया हूँ। अब मेरे सबसे पहले है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन कर पहले मैं पेपर पे करता था, अब मैं कर रहा हूँ इस पे, डायरी के पेज बचे हैं। और भाई जिस ऐप से मैं करता हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर मैं कर रहा हूँ स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्क्वायर एंड क्यूब मैंने तो भाई अपनी डायरी में पीछे लिख रखे हैं, अगर आपको उसके लिए भी ऐप चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो उसका ऐप भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर भाई मैंने उसके बाद किया परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो कि मेरे को याद हो गया, बस अब मैं रिवाइज करता हूँ। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कल थोड़े और लिखूँगा इसके, मतलब जो अलग अलग होते हैं वो और लिखने पड़ेंगे। फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट, भाई ये याद नहीं हो रहे भाई मुझसे, मतलब हद हो चुकी है भाई, भूल जा रहा हूँ यार। बाबा पता नहीं कर दिया, तुम कैसे याद करते हो यार, ये मुझे बता दो, मेरे से तो होने से रहे और ना ही हो पा रहे। फिर इसके बाद मैंने करा वो कैब स्टार्ट। तो वो कैब में पहले सबसे सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, फिर वन वर्ड, फिर इडियम्स। तो भाई ये मैं कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया जो मैंने बुकें मंगाई हैं उनसे, तो ये इंग्लिश की है और TCS के क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें, और बहुत पहले से हैं, 2011 या 14 के आसपास से क्वेश्चन दे रखे हैं, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसमें। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ले सकते हो वहाँ से। फिर मैं घर आया तो ये जिम्मी हमारी ऊपर से देख रही है, भाई आ गया, भाई आ गया। अब फिर मैं अच्छा नीचे 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 चल घर के दिया अंदर गया, तो मेरे को लगा कि ये ऊपर से आएगी, मगर ये ऊपर से आई ही नहीं। फिर देखा, अरे अच्छा लकड़िया काम चल रहा है इसलिए नहीं आई वो ऊपर से, क्योंकि ये ना कोई नया पर्सन आता है ना घर में तो उससे डरती है, तो फिर उसके पास नहीं आती। कारपेंटर तो चला गया था तो वो ऊपर ही थी। खाने बनाए गाजर की सब्जी और बथुए के पराठे, रोटी, तो वो खा के अपना लाइब्रेरी वापस, बची हुई दो बुकों को लेके, करंट अफेयर और रीजनिंग की, और ये मेरे सूर्यदेव अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाते हुए। फिर भाई मैं आया तो मैंने ना जो बच्ची कुची मेरी जो EDM और मतलब जो भी मेरे वो कैप थी वो मैंने कंप्लीट करी। और भाई दाढ़ी के लिए कोई नहीं बोलेगा, नया ट्रिमर मंगाया था, तो उससे उसकी वजह से मैंने सोचा कि पुरानी वाली ट्रिमर की तरह होगा, दो नंबर में मार लेता हूँ, और भाई दो नंबर पे तो होगी बहुत छोटी। और फिर मैंने भाई आप फ्रेंच रख लिया है थोड़ी सी, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने फ्रेंच कटिंग रखी है, तो दाढ़ी पूरी उड़ चुकी है, तो भाई दाढ़ी के लिए कोई नहीं बोलेगा। तो फिर अपना ये वो कैब कंप्लीट करने के बाद, तो भाई मैं आप भैया मेरे लिए पहले लेके आए थे जो ड्रिंक, वो आज मैं खरीद के लेके आया हूँ। भाई नींद बहुत उड़ाई थी, इसमें कैफ़ीन बहुत सारा है। फिर अपना वो कैब कंप्लीट करके फिर बैठा हूँ, थोड़ा चिल मार रहे हैं। और भाई लोग सोचते हैं कि मैं फ़ोन नहीं चलाता, भाई मैं बीच बीच में फ़ोन चला लेता हूँ, रील और शॉर्ट्स देख लेता हूँ थोड़े बहुत।
फिर मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन स्टार्ट किया रीजनिंग, और भाई मैं अब फर्स्ट क्वेश्चन से, मतलब आज ही स्टार्ट किया है, और मैं न्यूज़पेपर पे करता हूँ भाई सारे क्वेश्चन। तो ये कर रहा हूँ मैं TCS PYQ रीजनिंग की है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज आती है, इसमें 12,500 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। फिर मैंने मैथ्स की बुक, मतलब मैथ्स की स्टार्ट करी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा था, तो वो ये भी मैं न्यूज़पेपर पे ही करता हूँ। कॉपी क्यों बर्बाद करनी भाई, पेज बर्बाद करने फालतू में। फिर भाई ये भी मैं TCS की बुक से ही कर रहा हूँ, और ये किरण की है, किरण पब्लिकेशन की, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिर भाई मैंने इसके बाद इंग्लिश करी नीतू मैम से, तो भाई तुमको लग रहा है चल नहीं रही वीडियो, भाई देख लो, लो देख लो, टेलीग्राम पे है भाई ये, मैंने ले रखा है। और ये मैम की क्या कहते हैं वो क्लास नोट्स की बुक, तो ये भी इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर इसके बाद ये कंप्लीट कर लिया मैंने, फिर मैं 8 बज चुके थे, तो मैं 8 बजे निकला हूँ, ये मेरे डेस्क, और ये मेरे ये हो गया टाइम 8 बज चुके हैं। तो आज चलते हैं घर, थोड़ा टाइम से हमारा 8 बजे सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है। नहीं तो वैसे भाई मैं 9 बजे जाता था घर, 9 बज रहे थे भाई का, 9:15 बज जाते थे। अब मेरे टारगेट थोड़े, अब स्पीड बढ़ चुकी है ना, हमें पता है कि भाई कितना टाइम पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऐसा कंसिस्टेंसी हो चुकी है, कंसिस्टेंट हो चुके हैं हम। तो इस वजह से फिर भाई मैं घर आया, तो तुम्हें पता है कौन वेट कर रहा होगा, हमारा जिम्मी, अब वहीं खड़ा रहता है। फिर आया, अब पता नहीं ये थोड़ा सा प्यार किया, मतलब हल्का सा प्यार कर गायब हो गया, मुझे समझ नहीं आया भाई क्या हुआ एकदम से, आज आज ये छोड़ छाड़ के भग गया। फिर पता चला घर में बनी है फिश, फिश चावल बनाया था आज, तो इस वजह से ये तुरंत आया और भग गया। फिर इसके बाद मैंने ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े थे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट किया था वो क्या नाम, राइटर्स कंप्लीट किए थे मैंने, मतलब फॉरेन ट्रैवलर्स जो राइटर्स थे वो मैंने कंप्लीट किए थे। तो आज मैं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स, मतलब ये सोर्सेज कर रहा हूँ। फिर मैंने इसके बाद तेल लगवाया मम्मी से, क्योंकि पता ही है भाई लड़कों के पास क्या होता है, बाल ही होते हैं भाई अपना स्टाइल दिखाने के लिए, तो बस उन्हीं बालों को केयर कर रहा हूँ। और भाई जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किस वीडियो से पढ़ता हूँ, किस बुक से पढ़ता हूँ। तो गुड नाइट, फिर मिलते हैं।